हाय गाइस, सो वेलकम टू द चैनल कोड इन 10 एंड आई एम निशांत। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक प्रॉब्लम, इसका नाम है सबसेट्स। अब इस वाली प्रॉब्लम में क्या है, काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है जो हमने लास्ट वाली वीडियो में प्रॉब्लम करी थी, इसका नाम था सब सीक्वेंसेज ऑफ अ स्ट्रिंग। इसमें भी हम सेम चीज़ करने वाले हैं, इंक्लूजन एक्सक्लूजन या फिर तुम्हारा टेक और नॉट टेक वाली चीज़ यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। जिन्होंने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है जाके ज़रूर देख लेना, उससे इसकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, तुम्हें समझ आ जाएगा इसमें क्या क्या चीज़ें करी हुई हैं। अब पहले थोड़ा समझते हैं, ठीक है, ट्री, रिकर्सिव ट्री वगैरह बनाते हैं, फिर इस कोड पे वापस आएंगे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, ये सारे डीपी से भी सॉल्व होते हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग से। तो जब तुम इन्हें ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पे सबमिट करोगे ना, तो वो टीएलई दिखाएगा। ऐसा इसलिए है बिकॉज ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस हैं एंड काफ़ी इन सब में तुम डीपी लगा सकते हो। डीपी लगाते जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो तुम्हारी 2^n से एन स्क्वायर पे आ जाती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात एंड में करेंगे, बट हाँ समझ लो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, इसलिए टीएलई आ रहा है, ठीक है। तो अब तक हमने ये पढ़ लिया है रिकर्जन क्या होता है, ठीक है। उसमें वही अपनी तीन कंडीशन, 1, 2 और 3 बेस केस, ये हम हर लेक्चर में रिवाइज करते जा रहे हैं, तो सेम चीज़ है। जिसको नहीं समझ आ रहा क्या है, पुराने वाली वीडियो जाके देख सकते हो, समझ आ जाएगा। लास्ट वाली वीडियो में हमने क्या करा था, सब सीक्वेंस निकाले थे और सब सीक्वेंस एंड सबसेट की डेफिनेशन उस वाली वीडियो में बताई थी, तुम जाके वो वाली देख सकते हो। अगर नहीं समझ आया फिर से रिपीट नहीं करते, क्योंकि हम 10 मिनट में क्रिस्प ये वीडियो बनाने वाले हैं, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए लास्ट वाली ज़रूर देख लेना। स्टार्टिंग से सीरीज देखो, अच्छे से ज़्यादा समझ आएगा तुम्हें, ठीक है। अब इसमें क्या सीन है यार, तुम्हें एक एरे दे रखा है, इसमें 1, 2, 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब तुम्हें इसमें बताना है इसके सारे सबसेट्स क्या होता है एग्जैक्टली, थोड़ा बता देते हैं। सबसेट होता है कि यार अगर हम करंट एलिमेंट को लेंगे या नहीं लेंगे, उसके को छोड़ के या लेके जितने भी अलग अलग सब सेट्स बन रहे हैं, छोटे छोटे सेट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो इसको रिकर्जन से अपना सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसमें भाई हम ना टेक और नॉट टेक वाली चीज़ करनी है हमने। अभी हम करंटली इस एलिमेंट पे हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पर हम दो एरेज बना लेते हैं, एक हमारा जो टेम्प्रेरी एरे है और हमारा एक इसके साथ इंडेक्स आई है, ठीक है। इंडेक्स आई हमारी वैल्यू जो अभी 0 से स्टार्ट हो रही है उसकी। अब हमने कहा कि यार 1 को एक बारी ले लेते हैं, तो ये टेक में आ जाएगा। 1, 2, 3 एलिमेंट्स, आई हमारा यहाँ पे हो गया 1, हमने आई को इंक्रीमेंट कर दिया और करेंटली हमारा जो सबसेट हो गया उसमें 1 इंक्लूड हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा कि नॉट टेक करते हैं, फिर आई हमारा 1 हो गया, ठीक है। ये 1, 2, 3 रहेगा हमारा जो एरे है नॉर्मल, ठीक है, और जो सबसेट हो गया वो अभी एम्प्टी ही है। नेक्स्ट फिर हमने क्या करा, नेक्स्ट फिर हमने सेम चीज़ करी, एक बारी टेक करा, एक बारी नॉट टेक करा, मतलब इंक्लूजन एक्सक्लूजन यही करना होता है। एक बारी ऐड करो, एक बारी मत करो, एक बारी ऐड करो, एक बारी मत करो, इससे ही तुम्हारे सारे सबसीक्वेंसेज एंड सबसेट्स वाले प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। सिंपल सीधा फॉर्मूला है, जहाँ पे भी तुम्हें सबसेट्स निकालने हैं, सबसेट सम टू के, सबसीक्वेंस लाइक सेम एज दिस सबसीक्वेंस, ऐसी चीज़ें जो भी होती है, इसमें सब में इंक्लूजन एक्सक्लूजन हमें करना होता है, ठीक है। इसमें फिर से टेक नॉट टेक करेंगे, आई हमने यहाँ पर 2 कर दिया, जैसे टेक किया है तो ये 1, 2, 3 हमारा एरे रहा, इसमें हमने टेक करा तो 1, 2 आ गया। सिमिलरली इसमें नॉट टेक करा, आई हमारा 2 हो गया, ये सेम एरे रहा हमारा यही वाला, और यहाँ पे बस 1 रह गया। सिमिलरली अब यहाँ पे हमने क्या करा, एक बारी टेक, एक बारी नॉट टेक, ठीक है, टेक नॉट टेक, तो इसमें हम 2 पे आ गए यहाँ पे भी, आई इज इक्वल्स टू 2 अपडेट कर दिया हमने, जो हमारा एरे है वो ऐसे ही रहा, सबसेट में हमारा यहाँ पे 2 ऐड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे फिर से हम आई इज इक्वल्स टू 2 पे आ गए हैं, यहाँ पे दोनों में हमारा जो रहे 1, 2, 3 रहेगा, 1, 2, 3 रहेगा एंड यहाँ पे फिर से खाली रह गया क्योंकि इसमें नॉट टेक था। सिमिलरली फिर से यहाँ पे आएंगे हम, आई इज इक्वल्स टू 3 हो चुका है हमारा, तो आई इज इक्वल्स टू 3 होने से पहले हमने क्या करा, इसमें 3 को हम यहाँ पे 2 पे पहुँच चुके थे तो 3 को इंक्लूड कर दिया, 1, 2, 3 और इसमें नहीं इंक्लूड किया तो ये हो गया 1, 2। सिमिलरली हम यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, इसमें 1 में हमने जो 3 ये थर्ड एलिमेंट था इसको एक बारी 1, 3 कर दिया, एक बार इसको नहीं किया तो यहाँ पे बस 1 आ गया और इन सब में आई की वैल्यू 3 है, ये ध्यान रखना तुम साथ साथ, ठीक है। यहाँ पे फिर से आए हम, इसमें टेक नॉट टेक 2, 3 हो गया और नॉट टेक करा तो 2 हो गया। सिमिलरली इसमें टेक नॉट टेक ये 3 हो गया और ये हमारा एम्प्टी ही रह गया। तो तुम देखोगे 1, 2, 3 आ गया, 1, 2 आ गया, 1, 3 आ गया, 1 आ गया, 1, 2, 3 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, तो इसमें भी सेम 8 केसेस बन गए हमारे, सेम ही है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम ही हो गया क्योंकि वो 2^n होता है। अभी 2^n क्यों है, क्योंकि हर बार हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो इसको ले लेते हैं या फिर इसको नहीं लेते हैं, तो वही 2 × 2 × 2 × 2 सारे हमारे ऑप्शंस बन जाते हैं। जैसे ही इसमें आगे बढ़ेंगे तो ये i = 4 होगा, अगर 4 एलिमेंट होते तो 2^4 पहुंच जाएगा, ठीक है।
ये 16 हमारे सब सीक्वेंसेस बन रहे होंगे, ऐसे बढ़ता रहता है। अब कई बार क्या होता है कि नंबर्स कॉमन होते हैं, कई बार तुम्हें ये क्वेश्चन आ जाएगा कि यार इस एरे में जैसे 1.1.2 है तो इसके कितने यूनिक सब सीक्वेंसेज हैं या फिर यूनिक सबसेट्स हैं वो बता दो। अब यूनिक सबसेट के लिए तुम्हें एक सेट या फिर कुछ मैप यूज़ करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि पहले से तो नहीं एडेड है। तो यही छोटी छोटी वेरिएशंस होती हैं इन क्वेश्चंस में। तो आई थिंक ये तुम्हें समझ आ गया होगा। अब एक बार हम क्या करते हैं, कोड कर लेते हैं और कोड के साथ इसे फिर से ड्राई रन करेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपना एक ग्लोबल वेरिएबल बना लेते हैं। ग्लोबल वर्सेस लोकल के बारे में बाद में बता देंगे। ग्लोबल मतलब बस यही होता है कि इसको कोई भी फंक्शन एक्सेस कर सकता है। अब हम अपना एक हेल्पर फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास अपना वेक्टर होगा, फिर उसके बाद हमारे पास एक हमारा जो टेम्प्रेरी वेक्टर है वो होगा, उसके बाद हमारे पास होगा अपना इंडेक्स आए। ठीक है, इसमें बेस केस वही था जो पिछली बार था हमारा, सेम बेस केस है। इफ i की वैल्यू तुम्हारी इक्वल हो जाती है a डॉट साइज के, तो हम क्या करते हैं, हम आंसर में पुशबैक कर देंगे टेम्प, मतलब जो टेम्प्रेरी एरे में जो भी पड़ा है अभी वो आंसर में डाल दो और यहाँ से हम रिटर्न कर जाएंगे। ये हमारा बेस केस हो गया। इसके बाद हम करेंगे पहले इंक्लूड फिर करेंगे एक्सक्लूड। तो इंक्लूड करने के लिए क्या करेंगे यार, टेम्प में पुशबैक कर देंगे। पुशबैक जिनको समझ नहीं आ रहा, वेक्टर में एक फंक्शन होता है जिससे तुम वेक्टर के एंड में कोई एक चीज़ ऐड कर सकते हो। ठीक है, वेक्टर इज अ टाइप ऑफ एरे, डायनेमिक एरे होता है वेक्टर। एसटीएल में पढ़ेंगे आगे, एक एसटीएल की पूरी बेसिक C++ की एक सीरीज बना देंगे, उसमें ये सारी चीज़ें तुम्हारी क्लियर कर देंगे, टेंशन मत लो। बट जिनको नहीं पता, अभी हल्का सा ये मान लो कि एक वेक्टर टाइप का होता है, एक एरे टाइप का होता है, इसमें पीछे हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं एलिमेंट्स। हमने ए ऑफ आई यहाँ पे ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे, हेल्पर कॉल कर देंगे, यहाँ पे हम इंक्लूड कर देंगे इसे, बोलेंगे हमारा ए कॉमा हमारा टेम्प कॉमा इंडेक्स आई प्लस वन। अब इसमें पॉप, सिमिलरली पॉप बैक मतलब होता है कि पीछे से उड़ा दो, पॉप बैक करेंगे फिर से। ए एक्सक्लूड कर दिया हमने इस बारी इंक्लूजन एक्सक्लूजन में, और इसको बस फिर आई प्लस वन कर दिया और यहाँ से हम रिटर्न मार गए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपना टेम्परेरी वेक्टर बना लेंगे, ठीक है, फिर हेल्पर कॉल कर देंगे जिसमें हम अपना ए कॉमा जीरो कॉमा टेम्प कॉमा जीरो पास कर देंगे और यहाँ पे बस रिटर्न कर देंगे आंसर को। ठीक है, ये अपना कोड है, इसको पहले कंपाइल रन करके देख लेते हैं। ठीक है, अपना आउटपुट डिफरेंस लिए दिखा रहे हैं क्योंकि इसको सॉर्टेड चाहिए, तो बस एक लाइन और ऐड कर देते हैं अभी। तो इसमें अपना एक इनबिल्ट सॉर्ट फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। सॉर्ट फंक्शन से क्या होता है, उसको सॉर्टेड ऑर्डर में हमें दे देगा, ये हमारा एक्सपेक्टेड और ये सेम हो गया। इसको सबमिट भी कर देते हैं और ये हमारा सबमिट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम ड्राई रन करके समझते हैं। तो हमारे पास ये हमारा जो ए था वो 1, 2, 3 था, ठीक है, टेम्प्रेरी अभी हमारा खाली है और इंडेक्स हमारा अभी 0 है। ठीक है, हम आए यहाँ पे, हमने चेक करा क्या 0 की वैल्यू 3 के इक्वल है, नहीं है, तो हम इसके अंदर नहीं जाएंगे, सीधा आएंगे टेम्प में। टेम्प में बोलेगा ए ऑफ आई डाल दो, ए ऑफ आई तुम्हारा होता है 1, हमने 1 डाल दिया इसमें। ठीक है, तो बोलेगा ए ऑफ आई डाल दो, ए ऑफ आई क्या था हमारा 1, हमने इसमें 1 डाल दिया तो यहाँ पे हमारा 1 आ गया, राइट। इसके बाद फिर ये इसने बोला रिकर्जन को, 1 डालने के बाद रिकर्जन कॉल कर दो, वापस ऊपर चले जाओ, फिर चेक करेंगे आई की वैल्यू हमने 2 कर दिया। ठीक है, ये करने के बाद आई की वैल्यू हमने फिर यहाँ पे 1 कर दी। 1 करने के बाद फिर से सेम चीज़ आई, यहाँ पे देखा 1 = 3 नहीं होता। ठीक है, ये फिर जो हमारा 0, 1, 2 था, 2 हमने ऐड करा 3, तो 3 ऐड करने के बाद ये 1, 2, 3 बन गया और हमने आई को कर दिया 3। 3 से फिर ये वापस ऊपर गया, ऊपर जाके इसने चेक करा कि क्या 3 की वैल्यू 3 के इक्वल है, यस, तो ये यहाँ पे आया, इसने आंसर में पुशबैक करा, आंसर में हमने क्या पुशबैक करा 1, 2, 3 वाला सबसेट और रिटर्न कर गया। फिर ये यहाँ से रिटर्न होकर यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचने के बाद इसने क्या करा, पुश पॉप बैक कर दिया, पॉप बैक से हमारा जो 3 इसमें एडिट किया था वो हट गया, 3 ऐड करके इसने फिर से कॉल कर दिया तो 1.2 आ गया, 1.2 आ गया और आई की वैल्यू फिर से 3 हो गई, आई की वैल्यू 3 हो गई, तो इसने चेक करा क्या 3 की वैल्यू 3 के इक्वल है, 3 की वैल्यू 3 के इक्वल है, इसने फिर से पुश बैक कर दिया, तुमने ये वाला एलिमेंट भी ऐड कर दिया। सिमिलरली फिर से हम गए, यहाँ से हम वापस गए, i = 2 पूरा हो गया हमारा, इसने यहाँ पे भेजा, इसने फिर यहाँ पे भेजा, i = 1 पे आए, 1 पे इसने बोला कि वापस चले जाओ, 1 पे आने से पहले इसने पॉप बैक कर दिया, तो हमने जो यहाँ पे ऐड किया था 1.2 में से 2 हटा दिया तो बस 1 बच गया। फिर इसमें सेम चीज़ ऐसे ऐसे करोगे, ड्राई रन करके देखना, तुम्हारा यही आउटपुट आएगा। इसके अलावा तुम एक आधा एग्जांपल और ले सकते हो और तुम देख सकते हो ये वाला कोड हमारा मस्त एकदम सबमिट हो गया है।
सो दिस वॉज द क्वेश्चन जो जिसमें से हमने एरे के सारे सबसेट्स निकाल लिए हैं. इसमें वेरिएशंस होते हैं प्रिंट वगैरह करने का, एंड एक और वेरिएशन होता है सम वाला, वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ने वाले हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ऐसे ही यार अपना प्यार और सपोर्ट बनाते रहो. मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए.